कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम तथा आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न धर्म गुरुओं से वार्ता किया। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, बिशप थॉमस थुरुट्टीपट्टम, संजय विल्सन, हजरत मुबारक खां शहीद के इमाम कारी शफात हुसैन कादरी, जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मगुरुओं से कहा कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी है। अमेरिका, इटली, स्पेन में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत आबादी के मायने में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन समय से किए गए प्रयासों से महामारी को रोकने में हम सफल रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों में सभी धर्म गुरुओं को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुस्लिम धर्म गुरु हजरत मुबारक खां शहीद के इमाम कारी शफात हुसैन कादरी, ईसाई समाज के संजय विल्सन और कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास ने कहा, सिस्टम बना के प्रोग्राम बना के जैसे एक नंबर दो नंबर पे चली जाएगी आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। प्रोग्राम बनाएंगे तो नाजिक को ब्लॉग मैंने कहा था चार सौ दिखा दे उसे। आप अपना कैमरे का फोकस ऐसा कर रहे कि सब स्तर पर ऐसा हो रहा है कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सभी जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सभी धर्म गुरुओं के साथ ऐसी बैठक ऐसी है जो हो रही है। पूरा प्रदेश कोविड-19 यानी कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे और प्रयास हर जगह पर किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में टीम लेवल सेक्टरी साहब की और वरिष्ठ अधिकारियों की साहब के स्तर पर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर गृह विभाग की ओर से, चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से, डीजीपी साहब की ओर से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी धर्म गुरुओं का आज जो है संडे के दिन स्वागत करना चाहूंगा। आज शाम को 9 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है आह्वान भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपना आशीर्वचन, अपना जो बिंदु है सर कहना चाहे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित सभी धर्म गुरुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। है और आप सबसे बातचीत करने का भी अवसर मिला है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और दुनिया भर में अब तक 66,000 से लोग इस महामारी से मर चुके हैं। इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में व्यवस्था अस्त व्यस्त सी पड़ी हुई है। खासतौर पर अगर दुनिया के अंदर हम उन बड़ी बड़ी ताकतों को देखेंगे तो अकेले अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इटली में यह आंकड़ा 15,000 से अधिक हो चुका है। स्पेन में भी 12,000 के आसपास मौतें अब तक हो चुकी हैं और इसी प्रकार से ईरान है और दुनिया के तमाम अन्य देश हैं, इंग्लैंड है, काफी बड़ी मात्रा में मौतें हुई हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो 66,000 से अधिक मौतें अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण हुई हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आबादी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भारत की आबादी दुनिया के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन समय से किए गए प्रयासों का परिणाम है और इसके लिए पूरा देश
प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि उन्होंने समय पर जो कदम उठाए उसका परिणाम है कि इस महामारी को अब तक हम लोग रोकने में काफी हद तक सफल हैं। कार्रवाई की है और इस पर कार्य निरंतर चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल हर माह देने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से निशुल्क गेहूं, निशुल्क दाल आदि वितरण की जी। मैं कारी शराफत हुसैन कादरी, आस्ताना बाबा मुबारक खां शहीद, गोरखपुर नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने जो भी आदेश दिया है, अपील की है, वो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे वायरस से बचना हम लोग का बिल्कुल ज़रूरी है। और यही वजह है कि हाँ, गोरखपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये वायरस कंट्रोल में है, और जिस तरीके से और दूसरे ममालिक में बढ़ रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बल्कि हमारे पूरे देश में, मुल्क में ये कंट्रोल में है। लिहाजा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, हम लोग सब उसका स्वागत करते हैं, अच्छी अपील है। साथ ही साथ एक बात मैंने और भी अपील की है कि जो थर्सडे शब बरात जो हमारा एक कौमी त्यौहार पड़ रहा है, उस त्यौहार में मुसलमान अपने अपने घरों से निकल करके कब्रों पे फातिहा पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में पूरी रात इबादत करते हैं। लिहाजा उस पर भी हम लोगों ने दरगाह से ये अपील की है, हमारे सदर मोहतरम इकरार अहमद और उनके जुमला अराकीन ने, कि हर लोग अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, अपने घरों पर इबादत करें, पूरी रात इबादत करें वो, लेकिन बाहर बराए करम ना निकलें। इसलिए कि जो हुकूमत कंट्रोल कर रही है उसमें हमको सहयोग करना ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारी ही हिफाजत के लिए है। लिहाजा आस्ताने आलिया से तमाम लोगों को ये अपील की जा रही है कि हर लोग इस चीज़ का ख्याल करें और ये हमारे लिए बहुत बेहतर और मुनासिब होगा। संजय विंसेंट, सेंट थॉमस चर्च, धर्मपुर। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं उन्हीं का अनुपालन करने के बारे में बातें करी हैं, और प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के लिए कर रही है, विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए, वो सराहनीय है। और साथ ही साथ हर धर्म के धर्मगुरुओं ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार को मजबूत करने के लिए और जिला प्रशासन को मजबूत करने के लिए इस महामारी में सब लोग सहयोग करेंगे, जहां तक सहयोग कर सकते हैं वहां तक करेंगे। और इस क्रम में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर बहुत हद तक विराम लगाया गया है। लोग अपने घर में रहकर परमपिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्च जाने से लोग बच रहे हैं, और जब महामारी ख़त्म होगी फिर से सब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी तो फिर से चर्च में नियमित रूप से आराधनाएं शुरू हो जाएंगी। यही सब लोग और हम लोग यही कहें, महाराज जी हमसे पूछें कि आपका क्या सुझाव है। हम लोग कह के हम लोग सभी को कहते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सफाई रखिए, और जो सरकार की आदेश है उस अनुकूल चलिए, अपने अपने घरों में रहिए, सरकार की बात को उल्लंघन नहीं करना चाहिए।